सोशलाइजिंग टू मच, सोशलाइजिंग टू मच इसका मतलब क्या है कि सोशलाइजिंग टू मच मतलब बहुत ज्यादा सोशल होना, बहुत ज्यादा दोस्त है, बहुत ज्यादा फंक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसको बहुत ज्यादा दोस्त है बहुत लोग लेके बैठेंगे, है ना, थोड़ा किसने बुरा लिया चलते गया, उधर जाना है चले उसके साथ में, चलो ये करना है तो चले उसके साथ में, है ना, ऐसा कुछ अपने पास में टाइम नहीं, डेडलाइन नहीं है, फिर अपने दोस्त भी बहुत है और किसने कुछ बुला लिया चले गए वहां, तो सोशलाइजिंग, थोड़ा कार्ड किसने भेज दिया चलो शादी में दो दिन वहीं, है ना, शादी में बैठ रहे वहां, या किसने कुछ फंक्शन है बर्थडे का, बर्थडे पार्टी चलो वहीं जाके बैठ, अपने बुलाने की देरी है अपन वहां जाके बैठ जाते, तो उसमें बहुत टाइम चले जाता है, सोशलाइजिंग टू मच, बहुत ज्यादा सोशलाइजेशन करना। फिर कभी कभी ऐसा होता है टाइम वेस्ट, इसलिए ऐसा होता है कभी कभी कि ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स एट ए टाइम, मल्टीटास्किंग, तो उसमें टाइम जाता है, हमको लगता है कि हम काफी सारे काम एक साथ कर लेंगे तो अपना टाइम बचेगा, एक्चुअली दो काम आप एक साथ नहीं कर सकते, जिसमें अपना दिमाग लगने वाला है वो काम दो एक साथ नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक काम है तो एक साथ दो करेंगे, मेरे को फोन पे बातचीत करना है तो मैं फोन पे बातचीत कर रहा हूं और पैदल चल रहा हूं, या एक्सरसाइज कर रहा हूं, या जॉगर पे कर रहा हूं एक्सरसाइज, तो बातचीत भी कर रहा हूं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, दो काम हो जाएंगे, गाना सुन रहे हैं और कुछ खाना पका रहे तो ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे, और बाकी जिसको टाइम, जिसको अपना दिमाग लगता है ऐसे दो काम एक साथ नहीं हो सकेंगे, मगर हम वो जब करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, तो कभी भी ऐसे काम जो ऑटोमेटिक है वो कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कि दो काम वो चालू है, नहीं तो फिर क्या होता है, नहीं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे तरफ आपने ख्याल दिया नहीं, जैसा अभी अपना बच्चा है और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब माँ बोलती है ठीक है तू पढ़ाई कर और मैं खाना पकाती, हाँ वो माँ खाना पका रही है वो पढ़ाई कर रहा है, वो कुछ बोल रहा, आप स्कूल से मैं गया आया, स्कूल में ऐसा हो गया, स्कूल में वैसा हो गया, हाँ चल वो बोलते, उसको क्या एक्सपीरियंस आता बच्चे को कि माँ सुन नहीं रही है ना, माँ सुन नहीं रही है, बोलते आई आई ना सुनना सुनना, माँ सुनो माँ सुनो, मम्मी सुनो, बोलते हाँ हाँ तू बोलते जा, उसको एक्सपीरियंस आता कि ये सुन नहीं रही, क्योंकि आप खाना बनाने में लगी आपको मालूम है, नहीं तो वहां सुनेंगे तो इधर खाना बराबर बनेगा, ठीक है ना, तो ऐसे दो काम नहीं कर सकते, और जब दो काम आप कर रहे हैं तो फिर दूसरे को अनुभव आता है कि अपने को सुनते नहीं है, लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अपने को सुनते नहीं है, क्योंकि आप दो काम कर रहे हैं एक साथ और सच्चे सुनते नहीं है ना, तो ये होता है कि भाई आप सुन नहीं रहे और एक साथ में काफी काम कर रहे हैं। फिर दूसरा है कि बहुत सारे कॉल्स जो है ना एक साथ कर लेना, पर्सनल कॉल, पर्सनल कॉल का मतलब बहुत लोगों को कॉल पर्सनली करने की जरूरत नहीं रहती, बहुत बार ना पर्सनली आप यदि आपके कॉल से, आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हर कॉल आपने अटेंड करना जरूरी नहीं है, आप डॉक्टर हो या कोई बिजनेसमैन हो, आपके कस्टमर आपको कॉल कर रहे हैं, जो भी आप, जो भी व्यवसाय में आप है, तो हर कॉल आपने उठाना जरूरी नहीं है ना, आप हर कॉल उठाएंगे, हर कॉल को आंसर देंगे तो फिर होगा कि आपका टाइम जाएगा उसमें, तो हमने ये देखना है कि भाई मेरा कॉल जो महत्व का है वही कॉल में ले रहा हूं और बाकी कॉल जो है वो डाइवर्ट हो रहे, और कॉल में डाइवर्ट करके रखता हूं फोन के ऊपर, ताकि जो पहचान का है फीड किया हुआ नंबर है इंपॉर्टेंट है वही मैं ले रहा हूं, और बाकी जो इतने महत्व के नहीं है वो कॉल डाइवर्ट हो रहे, और उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सामने वाले को इंफॉर्मेशन मिल रही, या फिर आपके पास में जब कॉल आएगा वो डाइवर्ट होके आएगा, पहले कॉल और कोई नंबर पे जाएगा, वहां वो उनको लगता है कि नहीं कॉल पास ऑन करना है फॉरवर्ड करना है, तो वो फॉरवर्ड करेगा नहीं तो आपके पास में कॉल आएगा ही नहीं, बराबर है, तो ये पर्सनल कॉल्स करना या पर्सनल कॉल्स लेना, इसमें भी बहुत सारा समय जाता है।